तो जा तो ज्ञान दृष्टि से देख लो तो छोड़ने में देर न लगेगी और या फिर पकड़ के देख लो तुम जितना मर्जी पकड़ लो ये फिर छूट जाता है बचपना छूट गया कि नहीं बोलो आपने छोड़ा कि छूट गया हा बचपना आपने छोड़ा कि छूट गया जवानी छोड़ी कि छूट गई और एक दिन श्वास छोड़ोगे नहीं वो भी झूठ ही जाएंगे फिर हमारे खबर आती है वो उनकी मृत्यु हो गई वो चला गया वो भी गया वो भी गया मैं कोई बात नहीं भैया आना जाना ये संसार का नियम है क्या शत्रु क्या मित्र नियम तो सबके ऊपर एक से है तो ज्ञान वृत्ति से देखे तो मन कहीं फस नहीं सकता है पर ज्ञान की वृत्ति से देखोगे नहीं तो मन तो फंसा ही रह जाएगा इसलिए गल्ला दो माइया गल्ला दो चन माइया कि गल्ला गल्ला दो चन माइया जा सुन ले ज्ञान दया अज्ञान विच मर माइया गला दो ही चंद माइया तो विवेक कर ले नहीं तो लोभ लालच में जल मईया एक स्त्री को उसका बच्चा नहीं मिल रहा था चार पांच साल का लड़का उसका वो मिले नहीं मिले नहीं गली मोहल्ला पड़ोसी सबके घरों में छान लिया रोए 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 मेरे लड़के को कोई उठा के ले गया मेरे लड़के को कोई उठा के ले मेरे लड़के को कोई उठा के ले गया आज जब वो जोर जोर से रो रही थी जमीन में बैठ के तो रोते रोते सिर लगी जमीन पर मारने दुख में आके तो जब मारा जमीन पर सर तो दर्द तो हुई तो दर्द से आंख खुल गई आंख खुली तो क्या देखती पलंग के नीचे उसका लड़का सो रहा है छोटे बच्चे हैं खेलते खेलते पलंग के नीचे घुस गया होगा वहीं वो सो गया होगा माँ ने मोहल्ला छान लिया घर घर छान लिया हाय मेरे लड़के को कोई उठा के ले गया हाय मेरे लड़के को कोई उठा के ले गया और पता चला लड़का तो घर ही में है आप कहोगे इस कहानी का हमसे क्या मतलब महाराज बेमतलब की बात करते हैं क्या हम गल्ला दो ही चांद आप जिस सुख को ढूंढते फिरते हो दुनिया में वो सुख स्वरूप परमात्मा तुम्हारे ही इस मन के पलंग में है गल्ला दो चांद जेड़ा आनंद लब दे दुनिया च वो बैठा तेरे दिल विच चुमाइया हम तो दो ही बातें आज कर रहे हैं जो समझ सको तो समझ लो सारी चीजें समझ नहीं आती इसलिए आज हर चीज दो दो में करी जा रही हूं मैं तुम तो ये ना कहना बड़ा मुश्किल बोला समझ ही नहीं आया मुश्किल बोला समझ ही नहीं आया अभी तो दो ही कर रही हूं इसमें क्या मुश्किल Today, when I was admiring some flowers and the sunset, I was uh, overtaken by the beauty and power of Maya. Logically, through words, I know it's not real. Upon some contemplation, I thought that Maya is no more than Ajnana. Perhaps we call it Maya to categorize Ajnana is this a valid train of thought should i continue to contemplate on maya with this in mind dear the mind with which you are contemplating is also maya the man named arun is also maya the senses of arun is also maya so it's not what you are seeing with open eyes, is maya, the eyes itself are maya. And the reflected self, this jiva, the ahamvritti, one who is saying, I am, is also very much part of the Antakaran, very much part of the mind. The reflected real self in the mind is called I. And that I is particularly in a body which has been named as Arun. So you have to understand that including the body, the senses, the mind, the intellect, and the whole wide seen objective world, all is Maya. All is Maya. The train of thought is Maya. The flower is Maya. The sun is Maya. The eyes are Maya. The mind which is seeing is Maya. It is just a game of Maya. It's ripples in the Maya. And Maya means which doesn't even exist. So, what is there to contemplate? Don't be a logician be a vedantist understand it once and it should you know like a full stop don't put a comma the comma is sign of immaturity of understanding once you have understood it totally completely definitively then there is no comma in understanding then there is a full stop subject closed signed sealed closed But if thing is not clear, then we need to introspect again and again and again and again. Know it, shut it, let it be. नहीं तो ना अक्सर कच्चा कच्चा ज्ञान ये होता है सब माया है सब झूठ है सब माया है पर मेरा मन बड़ा ही दुखी है मन में बड़ा दुख हो रहा है तो भी ठीक नहीं चल रही है फला रिश्तेदार अच्छा नहीं है मेरे से व्यवहार करते वैसे सब माया है। दुखी है पर बोलने को कहेगा सब माया है सब माया है और उनका ये दो दोनों प्रोग्राम चलते रहते एक एक मिनट कहेंगे सब माया है और दूसरे मिनट कहेंगे हम बड़े दुखी हैं एक मिनट कहेंगे हम तो ब्रह्म हैं दूसरे मिनट कहेंगे हाय बड़ी परेशानी हो रखी है तो इनको मैं बायपोलर विदंती बोलती हूं अभी ब्रह्म है अभी शरीर है अभी ब्रह्म है अभी मन है अभी मैं ब्रह्म हूं अभी मैं तो शरीर हूं अभी मैं ब्रह्म हूं हाय मेरा बेटा मेरी मर्जी से नहीं चलता अब मैं दुखी हूं अभी मैं ब्रह्म हूं सर्व संसार माया है और अभी वो मेरा न डील ही नहीं हो रही है डील हो जाती एक पीछे सज्जन मुझे कहते आ, गुजराती थे गुजराती गुजराती बरोदा में मिले थे मुझे कहते गुरु मां आप आशीर्वाद दे दो मेरी ये डील हो जाए अगर ये मेरी डील हो गई ट्वेंटी परसेंट आपका मैं बेटे अगर मेरे आशीर्वाद से डील होती है तो फिर बीस परसेंट तेरा और मेरा अस्सी होना चाहिए क्योंकि हुई तो मेरी वजह से है अब वो ऐसी बेवकूफी की बात बोल रहे हैं तो उसका जवाब मैं और कैसे दू उनको तो ये काम बस हो जाए आप आशीर्वाद दे दो बीस प्रतिशत आपका अभी क्या मतलब बच्चा समझे वो हमको फिर लाली पाप दो गए और हम बहल जाएंगे और हमने ऐसा आश्वासन कब दिया कि हम हम में कोई ऐसी ताकत या कोई ऐसी शक्ति है कि हम तुम्हारे मतलब डील करवा दे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए बस ये वाला आप आशीर्वाद दे दो एक और ऐसे ही मिले सरदार जी मुझे कहते आप आशीर्वाद दे दो मैं ना ब्रेड की फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ आपके आश्रम के आसपास बस जमीन का सौदा हो जाए एक दफ़े फैक्ट्री बन जाए जिंदगी भर आश्रम में ब्रेड का ठेका मेरा मैं दिया करूँगा ट्रक का ट्रक आया करे आप तो कॉल करनी एक भेजो ट्रक आ जाया करेगा मैं बेटे मैं ट्रक ब्रेड का लेके करूंगी क्या आशीर्वाद दे दो आप वैसे कुछ भी नहीं चाहिए हमको बस हम तो आपको मिलते हैं तो मन को बड़ा ही सुख होता है और कुछ भी नहीं चाहिए बस ये काम है छोटा सा हो जाए ना फिर सब ठीक है ये होता है कच्चा सत्संगी कच्चा ज्ञानी यूं किसी की परवाह नहीं पर मन वही लोभ और क्रोध और कामनों में चिंता में घुसा रहता है अब बाकी तो देखो सब दुनिया दूर दूर मिलती दूर दूर चली जाती है जो थोड़ा सा नजदीक प्यार मोहब्बत करते हैं सेवा में हैं, जब उनको गलती करते हुए देखती हूँ तब रहा नहीं जाता तब मैं कह देती हूँ क्यों क्यों कर रहे हो ये गलती क्यों तो विचारवान बनिए समझ समझ के साथ ज्ञान के साथ विवेक के साथ जीवन को जिए आप ये मानव जीवन बहुत सुंदर है प्यारे बहुत सुंदर ये माया बड़ी सुंदर है हमको तो माया से भी कोई परेशानी नहीं बहुत सुंदर है माया जब तक इसमें फंसू नहीं दूर के कहते ढोल सुहावने होते ही हैं तो संसार को दूर से देखो अपने भी शरीर मन बुद्धि को दूर से देखो शरीर मन बुद्धि मत बन जाओ अध्यास मत करो अध्यास मत करो ये बेवकूफी मत करो खूब देखो तमाशा क्या दिक्कत है पर चक्का है ना ये बात मैं इतनी बार बोलती हूँ बोल बोल के मेरा गला दुख जाता है तो तुम्हें समझ ही नहीं आती और फिर कई कहते नहीं इस बार शिविर में उतनी समझ नहीं आई पुट अगली बार आ जाएगी हम्म hmm, बहुत अच्छी बात है hmm. हिम्मत मर्दा मददे खुदा हिम्मत कहते रखो तो ईश्वर भी मदद देता है पर सवाल यह है कि अगर तुम अभी नहीं समझे तो फिर कब समझोगे कब समझोगे प्यारे देर क्यों करते हो जीवन को आप सुंदर बनाओ प्यारा बनाओ कैसे बनता है मन को संसार से विरक्त रखो और ओम की ध्वनि करते करते स्वयं को ओम स्वरूपा देखो चलो अभी मेरे साथ तुम इस मंत्र को दोहराओ ओम हो शांति ही अन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आपाः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतय शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शन्तिः सर्विः शान्तिरेव शन्तिः सामा शान्तिः ओम शांति 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 इस अंतरिक्ष में शांति हो इस आकाश में शांति हो इस पृथ्वी पर शांति हो इस जल पे शांति हो इन औषधियों में वनस्पति में इस विश्व के आधार ईश्वर शांति स्वरूप है ब्रह्म शांति स्वरूप है सर्व ही शांति स्वरूप है शांति ही शांति हो सर्व ओर मुझ में शांति सा तुम में शांति सर्वगुम शांति सर्व में शांति हो तो आप अपने चित्त में ऐसा सुंदर भाव रखेंगे तो फिर जहाँ जहाँ देखोगे सब शांति स्वरूप है सब 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 सर्वह आनंद और शांत रूप है पर ये बात धीरे धीरे समझ लगती है जल्दी समझ ही नहीं आती परेशान मन से जब दुनिया देखते हो तो दुनिया भी बुरी लगती आज जिस दिन मन अच्छा हो ना तो उस दिन दुनिया भी अच्छी लगती तो दुनिया अच्छी की बुरी दुनिया एक्चुअली ना अच्छी है ना बुरी है तो कैनवस है इस कैनवस पे हमारे मन के अच्छे रंग पड़ जाएं तो दुनिया अच्छी है और इसी संसार के कैनवस पे हमारे मन की बुराई आ जाए तो यही संसार बुरा है अन्यथा सर्व ब्रह्म शांति ही सर्वहितो ब्रह्म है सर्वहितो परमात्मा है शांत स्वरूप है तो अपने में दूसरे में जगत में आकाश में पृथ्वी में जल में वनस्पति में औषधि में सब और एक ही परमात्मा है जो आधार है उस पर दृष्टि रखिए तो सब सुंदर है फिर बुरा क्या है फिर कुछ बुरा नहीं है वह इस बार ऋषि के शिविर में हमने गाया था ना होले होले समझ तो बड़ी सिद्धि है एक ही मिनट में आ जाए आपको आती कोई नहीं है तो फिर कहना पड़ता है कि कोई नहीं आहिस्ते आहिस्ते वो मराठी में बोलते हल्लू हल्लू धीरे धीरे समझ आ जाएगी लगे रहो लगे रहो सुनते रहो करते रहो सत्संग आते आहिस्ते समझ आ जाएगी वाह अभी के लिए इतना ही